हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू यूनिफाइड लाइफ साइंसेस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टीलोमर एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। तो देखो, ये प्रॉब्लम होती क्या है, ठीक है? पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो देखो क्या होता है, जब हमारी यूकेरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन हो जाती है, उसके बाद में हमारा जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे दोनों स्ट्रैंड थे यूकेरियोट्स के, जो रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें जो रेप्लिकेशन होने के बाद जो लैगिंग स्ट्रैंड है, सपोज करो हमारा ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है। अब इस लैगिंग स्ट्रैंड का साइज जो दूसरा स्ट्रैंड है हमारा, उससे थोड़ा छोटा रह जाता है। अब ये रहता क्यों है छोटा, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था, प्राइमर था, ठीक है। प्राइमर था, वो गया हट। अब प्राइमर हटने के बाद यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गया। अब आप बोलेंगे कि मैम अगर प्राइमर हटा तो स्पेस फिल भी तो हो सकता था। नहीं हो सकता था, क्योंकि फिल करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3' OH। 3' OH नहीं है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, 5' का फॉस्फेट, इसलिए ये स्पेस यहाँ पे रह जाता है। लेकिन इसका कुछ सेल्स के अंदर, कुछ सेल से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि हमारा स्टेम सेल, ठीक है, या फिर जो हमारे क्या होते हैं, कैंसरस सेल्स, ठीक है, या फिर जर्म सेल, इनके अंदर ये जो एंड प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये ऐसे नहीं रहने देता उसको। लेकिन जो हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं उसमें ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये वैसे ही रहता है। तो अब देखो इन सेल्स के अंदर क्या प्रोसेस चलती है और कौन करता है। एक एंजाइम है टीलोमरेज, ये एंजाइम इन सेल्स के अंदर इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लेके आया है, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन कैसे लेके आया है वो देखते हैं। टीलोमरेज एंजाइम है, इसकी क्या खास बात होती है, ठीक है। जो टीलोमरेज एंजाइम हमारा होता क्या है, टीलोमरेज एक राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है। इसके पास में एक स्पेशल एक्टिविटी होती है। अब वो एक्टिविटी कौन सी होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी, ठीक है। और ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टीलोमरेज एंजाइम। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आए और आने के आगे भी चांसेस हैं, ठीक है। ये इसकी, अब देखो जो इसका 3D स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। अब ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, यानी कि इसके पास में एक खुद का RNA होता है, जो कि क्या है, इसका टेम्पलेट है। इसके पास में ये कैसा एंजाइम है कि खुद का ही टेम्पलेट लेके घूमता है, इसके पास में खुद का टेम्पलेट है। अब ये जो इसका खुद का टेम्पलेट है, उसका सीक्वेंस क्या होता है हमारा, AUUCCC, ये इसके पास में RNA का जो इसका टेम्पलेट है, इसका सीक्वेंस है। अब ये तो हो गया हमारा टीलोमरेज एंजाइम। अब ये काम कैसे करेगा, सपोज करो ये हमारा वो DNA था, ठीक है। इसकी एक और ख़ास बात कि ये जो लार्जर वाला जो स्ट्रैंड है, ये कहाँ जाके बाइंड करेगा, लार्जर DNA का जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर ये जाके बाइंड करता है, ये हो गया। अब देखो ये सपोज करो हमारा था और यहाँ पे ये स्ट्रेच है, इसको हम क्या बोलेंगे, टीलोमर, ठीक है, जिसकी सीक्वेंस हमारी कैसे रहती है, GGG, यहाँ पे GGG, उसके बाद में ATT, ठीक है, ये हमारे टीलोमर सीक्वेंस है। टीलोमर जो एंड है उसकी जो ये सीक्वेंस है, GGG ATT, ठीक है। अब ये आएगा हमारा एंजाइम, कौन आएगा, टीलोमरेज, और आ करके जो लार्ज वाला स्टैंड है, ठीक है, उसके आगे आगे ये क्या करेगा, बाइंड करेगा, ये बाइंड करा और इधर से ये क्या करेगा अपना, इसको और ज़्यादा बड़ा करने लग जाएगा, यानी कि इसकी रेप्लिकेशन करनी स्टार्ट कर देगा। और क्या, कब तक करेगा, एक सर्टेन लेंथ तक क्या करेगा, इसकी रेप्लिकेशन करेगा और इसका साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। अब आप बोलोगे कि मैम पहले से ही ये बड़ा था, हमें तो इसको करना चाहिए था, आप बोल रहे हो इसने आकर के इसको और बड़ा कर दिया। सॉल्यूशन कहाँ हुआ इसमें,
बताती हूँ। एक सर्टेन लेंथ तक ये क्या करता है, इसको स्ट्रेच करेगा और इसका साइज और बड़ा कर देगा। अब देखो, पहले ये वाला जो था इतना था यहाँ तक, लेकिन इसने इतना बड़ा और कर दिया। उसके बाद में कौन आएगा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये प्राइमेज है तो यहाँ पे क्या करेगा, प्राइमर लगा देगा। अब प्राइमर लगेगा तो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, 5' to 3' डायरेक्शन में प्राइमर लगा। प्राइमर लगने के बाद में कौन आएगा, डीएनए पोल डेल्टा। अब ये इधर क्या करेगा, रेप्लिकेशन कर देगा। अब इसने रेप्लिकेशन कर दी तो उसके बाद अब कौन आ जाएगा, डीएनए। अब ये हट जाएगा इधर से प्राइमर, है ना, रेप्लिकेशन में तो प्राइमर हट ही जाता है, हट गया। उसके बाद कौन आ गया, डीएनए लाइगेज। लाइगेज ने आके इधर ये जो गैप था इसको भी क्या कर दिया, फिल हुआ, सील हुआ, सब काम हो गया। लेकिन अब आप बोलोगे मैम ये करने की ज़रूरत ही क्या थी, अभी भी यहाँ पे एक गैप है। हाँ भाई, गैप तो है, कोई शक नहीं है इस बात में। लेकिन अब आप साइज़ देखो, पहले ये डीएनए का साइज़ आप देखो यहाँ तक था, इतना था, लेकिन अब ये इतना हो चुका है ना। हमारा काम का डीएनए तो अब भी यहीं तक का है। ये हमने क्या बना लिया, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, एक आर्मी जैसे खड़ी होती है ना बॉर्डर के ऊपर कि देश के अंदर कोई आतंकवादी ना घुस जाए, ऐसे ही हमारा जो कोडिंग वाला, जो हमारा मेन डीएनए था, उसने अपने सामने एक आर्मी सी लगा ली ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो सके। अब सोच के देखो, जो हमारे जर्म सेल हैं उनके अंदर, सपोज करो यहाँ पे किसी कोई इंपॉर्टेंट जीन है, ठीक है। अब वो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, सपोज करो ये जीन तुम्हारी आइस के रिलेटेड था, आइस की फंक्शनिंग के रिलेटेड था। अब ये एंड के ऊपर प्रेजेंट है और एंड हमारे अनइक्वल है, और अनइक्वल होने की वजह से टूटने के चांस ज़्यादा रहेंगे एंड के, और अगर ये ही हट जाएगा तो हमारी आइस पे कोई असर आएगा, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर यहाँ पे आइस का जीन था। ऐसे ही यहाँ पे किसी भी करेक्टर का, किसी भी चीज़ का, हमारी बॉडी का जीन हो सकता था, लेकिन अब हमने उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे पूरी एक आर्मी, यानी कि ये जो हमने डीएनए की जो लेंथ थी, सीक्वेंस, उसको बढ़ा लिया है ताकि अगर टूटे तो यहीं से टूट के रह जाए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब वैसे भी इसको टूटने नहीं देगा, आगे और भी एंजाइम्स आएंगे। अब एंजाइम आके बोलेंगे ऐसे कैसे टूट जाएंगे, जैसे हमारे सोल्जर्स के पास में भी हथियार रहता है ना, वरना ऐसे सिर्फ बॉर्डर पे खड़े रहने से थोड़ी ना कोई प्रोटेक्शन कर सकता है, है ना। तो क्या होगा अब आगे देखो, कुछ प्रोटीन्स आएंगे। अब यहाँ पे स्पेस तो है ही, है ना, अब यहाँ पे स्पेस तो है, लेकिन अब हमारे 5 प्रोटीन आएंगे, ठीक है। अब वो प्रोटीन आ करके ये जो हमारा स्ट्रेच है इसकी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। अब वो कौन कौन से हैं 5 हमारे, तो देखो, एक है हमारा TRF1, एक है TRF2, ठीक है, एक है हमारा TIN2, एक है हमारा TPP1 और एक है हमारा PORT1। ये 5 आएंगे। जो ये ऊपर के 4 मैंने लिखे हैं, ये हमारे डबल स्ट्रैंडेड जो DNA है उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। किसकी प्रोटेक्शन करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की प्रोटेक्शन करते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये PORT1 क्या करता है, ये PORT1 हमारा जो ये स्ट्रेच बना हुआ है ना, ये वाला सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच जो अभी भी बड़ा है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए स्ट्रेच है हमारा, टीलोमर है, उसकी क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। कैसे, सपोज करो ये बढ़ चुका है, ठीक है, ये है। अब इसके ऊपर TRF1 आया, बाइंड कर गया, TRF2 आया, बाइंड कर गया, ये कौन है TRF1, ये कौन है TRF2, इसके ऊपर आएगा TIN2, ये आ गया TIN2, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन आ जाएगा, TPP1, ठीक है। अब ये PORT1 कहाँ लगता है, ये PORT1 ऐसे सब यूनिट्स में लग जाता है, इधर सिंगल स्ट्रैंड वाले इधर में PORT1, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये वाले प्रोटीन हमारे लूप की फॉर्मेशन करवाएंगे। किसकी फॉर्मेशन करवाएंगे, लूप फॉर्मेशन। अब लूप फॉर्मेशन कैसे होगा, इधर में देखो, ये है इधर से बड़े वाला और ये ऐसे लूप बनाएगा, ठीक है, ये इसने ऐसे लूप बनाया, ठीक है। नीचे वाला स्ट्रैंड है हमारा,
ये नीचे वाला स्ट्रैंड था और ये ऐसे आ गया, इधर ये क्या बन गया, अब एक लूप बन गया। अब ये जो हमारा पोर्ट है, पोर्ट वन, ये इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है इधर, ठीक है। ये है हमारा इधर पोर्ट वन। उसके बाद में जो ये चारों थे ये इधर लगे हुए हैं, ठीक है। ये है टी आर एफ वन, ये है टी आर एफ टू, इसके ऊपर लगा हुआ है टी पी पी वन, इधर लग गया हमारा टिन वन, सॉरी टिन टू, ठीक है। ये बन गया हमारा एकदम रेडी कि ये हमारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। इधर कोई एक एंड है जो बड़ा निकला हुआ था, अब वो कोई बाहर नहीं निकला हुआ, एक लूप बना दिया ताकि इधर से कोई भी स्ट्रेच क्या है ब्रेक ना हो, ठीक है। जब हम डीएनए, जब हम क्रोमोसोम बनाते हैं तो हमेशा क्रोमोसोम ऐसे बनाते हैं, कभी ऐसे बनाते हो क्या? जब भी हम क्रोमोसोम बना रहे होते हैं सेल साइकिल या कहीं पर भी, तो क्रोमोसोम ऐसे बनते हैं, लेकिन हमारा जो है लीनियर होता है ना, हमारा डीएनए जो यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। तो उसको ऐसे क्यों नहीं बनाते हैं, ऐसे क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं, ये रीज़न है उसका। इसीलिए वो कैसा होता है, इधर से लूप जैसा होता है दोनों तरफ से, ये है उस लूप का रीज़न कि टीलोमरेज एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने की वजह से जो हमारे जर्म सेल्स हैं उनका जो क्रोमोसोम है वो ऐसी शेप में आ जाता है। तो देखो आज हमारा जो रेप्लिकेशन था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं डीएनए डैमेज एंड रिपेयर सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सबने अब तक का पूरा कंप्लीट कर लिया होगा और क्वेश्चन भी लगाएं साथ साथ में। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है जो सोल्व नहीं हो पा रहा है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन, अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन को सोल्व करूँ और उसका सोल्यूशन आपको बताऊँ। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही जुड़े रहें। Thank you very much.